क्या घटना घटी है जो कि आप इतनी व्याकुल हैं? सही थाना के अंतर्गत क्या हम हैं, मेरे साथ हुआ जो हेडमास्टर जो है से वहाँ पे गए वीडियो बनाने की कोशिश करी, स्कूल में गलत काम हो रहा था। किस स्कूल में? सलहा जलालपुर स्कूल। अच्छा। हमको हाथ में से मोबाइल छीन लिया, छीनने के बाद मेरा हाथ मसल करके पटक दिया, गला दबा दिया, उसके गला में मेरा मंगलसूत्र था, ढोलना पहने हुए थे, जूता से मारने लगा। तो इसकी शिकायत कहीं किए हैं? थाना में किए हैं। कि जांच शुरू हुई है अभी कि नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, हम लोगों को जो जानकारी हुआ है, जो FIR भी हुआ है मुसहरी थाना में, हम जाके वहाँ जांच भी किए थे। वहाँ सलहा स्कूल के वार्ड सदस्य हैं जो खुशबू कुमारी, उस स्कूल के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ काम में कुछ जो है माने जो हो रहा है स्कूल का, उसमें काफ़ी गड़बड़ी कर रहा है, अनियमितता है उसमें। कौन कर रहा है गड़बड़ी? वहाँ का हेडमास्टर। तो जो है कि पूछने गए कि भाई इसको जो है कि आप ढंग से माने काम करवाइए, उसी पर जो है वो बोला कि आप कैसे जो है बगैर मेरे इजाज़त के आप ऑफिस माने स्कूल में घुस गए, और उसके बाद ये वीडियो बना रहे थे तो इनका मोबाइल छीन लिया, डैना चढ़ा दिया। ये बहुत ही दुखद घटना है, चूँकि वार्ड सदस्य जो होता है पंचायती राज अधिनियम में ऐसा नियम है कि जिस वार्ड में जो स्कूल होगा वहाँ का वार्ड सदस्य उसका अध्यक्ष होगा, तो इसको तो राइट था वहाँ जाने का, वहाँ का जो है रख रखाव के बारे में, वहाँ स्कूल के पढ़ाई लिखाई के बारे में, चाहे वहाँ काम होता है, अगर स्कूल प्रधानाध्यापक कुछ अगर काम करवा रहा है तो उसको देख रेख का इनकी जिम्मेदारी है, चूँकि अध्यक्ष है वहाँ के। तो इनको जो है कि अपने अधिकार के तहत वहाँ गए थे, वो इनको जो है बहुत बदतमीजी किया, इनके साथ बदसलूकी किया, तो ये मुसहरी थाना में जो है कि आपको आवेदन दिए हैं, उस पर FIR हुआ है। ये बहुत ही जो है कि आपको एक जनप्रतिनिधि के साथ जो है कि आपको निंदनीय घटना हुआ है, हम इसका निंदा करते हैं, और हम माने मुसहरी और के प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, FIR हो ही गया है, अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाए। और एक अभी चिट्ठी निकला है कि शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि इनको जो है अध्यक्ष पद से पदमुक्त किया जाता है, जबकि ये आपको जो है कि एक महीना पहले से जो है कि तमाम जगह जो है कि आपको आवेदन दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर आपको जो है DO तक, जिला शिक्षा पदाधिकारी तक वो आवेदन दिए हैं कि वहाँ घटिया किस्म का काम होता है, उसको जाँच किया जाए। तो इनको जो है संवैधानिक पोस्ट पर रहे हैं, इनको अधिकार है कि वो जो है कि अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन मुसहरी के जो है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो बेगर जो संविधान को ताक पर रख के एक वार्ड सदस्य को जो है चयन मुक्त का माने अध्यक्ष से हटाने का जो है कि वो चिट्ठी निकाल दिए हैं, जो ये बहुत ही गैरकानूनी तरीके का है। हम मांग करते हैं कि अविलंब इनको जो है कि जो चिट्ठी निकाला गया है उसको जो है वापस लिया जाए, क्योंकि वार्ड सदस्य अध्यक्ष रहेगा ही, उसको जो है कोई हटा नहीं सकता है, ये गैरकानूनी किए हैं। तो ये भी मांग करते हैं कि जो चिट्ठी निकाले हैं उसको हटा दिया जाए। आप पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में हैं पंकज बाबू, आप थोड़ा सा इस मामले को जानकारी दें। मैं मुसहरी प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। जहाँ तक अभी सलहा मध्य विद्यालय में जो विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष के साथ घटना घटने की जानकारी मुझे पेपर के माध्यम से व मौखिक तौर से भी प्राप्त हुई है, वो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष आज के तिथि में पंचायती राज एक्ट के तहत सभी विद्यालयों में वार्ड सदस्य ही होते हैं। कार्रवाई करने से संबंधित या फोटोग्राफी का काम किया है वो वैध है, वो अध्यक्ष का अधिकार है, और अध्यक्ष के साथ जो भी जबरदस्ती या मैंने मुझे कि उनके साथ बर्ताव विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा किया गया है वो नियम विरुद्ध किया गया है, और ये ऐसे स्थिति में विद्यालय के हेडमास्टर कार्रवाई के योग है। जहाँ तक उक्त हेडमास्टर की बात है, पूर्व में भी उसी विद्यालय की एक शिक्षिका ने उनके विरुद्ध अभद्र व्यवहार करने का शिकायत मुसहरी प्रखंड कार्यालय में की थी, जो अपने आप में उस हेडमास्टर की साली बता रही थी। उनके साथ भी घटना घटा, उनके साथ भी उन्होंने बर्ताव किया, और कुल मिलाकर देखिए तो मुझे भी जानकारी है कि वो हेडमास्टर सामाजिक वातावरण से दूर रहता है, मनमानी करता है और किसी का सही सही इज्जत नहीं करता है। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।